हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नाइन सीरीज अकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रिगार्डिंग दी करंट अफेयर्स 2021। जो अपने करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलिए शुरू करते हैं डे 91 का सेशन। आई विश यू ऑल अ वेरी गुड लक। डिस्कस द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट टीपू सुल्तान। आपको इनकरेक्ट बताना है। टीपू इंट्रोड्यूस अ नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशन ड्यूरिंग हिज रूल इंक्लूडिंग हिज कॉइनेज अ न्यू मुलुडी लूनिसोर कैलेंडर एंड अ न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम विच इनिशिएटेड द ग्रोथ ऑफ मैसूर सिल्क इंडस्ट्री। Then the second statement is embracing the Western military methods like artillery and rockets alongside the traditional Indian weapons, including war elephant. He ensured his forces could overwhelm his Indian rivals and match the British armies sent against him. और आपको करेक्ट बताना है ए ओनली बी ओनली बोथ है रन। पहला ये कह रहा है कि टीपू सुल्तान ने कई एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशंस किए, जैसे कि न्यू मुलुमड़ी क्या कहते हैं लूनिसोर कैलेंडर लेके आए, नए लैंड रेवेन्यू सिस्टम लेके आए, सिल्क इंडस्ट्री मैसूर की काफ़ी ग्रो करी। दूसरा उन्होंने मिलिट्री मेथड्स, वेस्टर्न मिलिट्री मेथड्स का यूज़ किया, आर्टिलरी हो गया, रॉकेट्स हो गया, ओके, इसके साथ साथ वॉर एलिफेंट्स वगैरह का यूज़ किया। क्या ये सही है या ये गलत है? आंसर होगा नन, दोनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि आपको इनकरेक्ट पूछा था। तो दोनों स्टेटमेंट टीपू सुल्तान के बारे में सही है, ये कॉन्टेक्स्ट है न्यूज़ का। तो टीपू सुल्तान के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो इनका बर्थ आपका 1750 को नवंबर में हुआ था। हैदर अली के सन थे ये, ठीक, और इनको टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता था। ही वाज वेल एजुकेटेड मैन, फ्लुएंट इन अरबिक, पर्शियन, कैरनिज़ उर्दू। इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आपका 1761 से 82 तक हैदर अली थे, उसके बाद उनके जो बेटे थे टीपू सुल्तान, उनका रूल देखने को मिला 1782 से 1799 तक। तो ये तो हमने देख लिया दोनों के, बिल्कुल ठीक है। और अगर हम बात करें तो इन्होंने यूरोपियन मॉडल्स में अपनी काफ़ी आर्मी को भी डेवलप किया, इन्होंने फ्रेंच ऑफिसर्स की हेल्प ली, ठीक, और इन्होंने नेवल की इंपॉर्टेंस को देखते हुए नेवल फोर्सेस का भी सेटअप किया। 1796 में इन्होंने बोर्ड ऑफ एडमिरालिटी एंड प्लान फॉर अ फ्लीट ऑफ 22 बैटलशिप एंड 20 लार्ज फ्रिजेट, इस्टेब्लिश 3 डॉकयार्ड इन मैंगलोर, वाजिबाद एंड मोलीबाद, और इनका प्लान एंड 1767 में ये सब इनके बारे में लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि यहाँ पे मैसूर वॉर हमें देखने को मिलता है। सो ब्रिटिश सॉ हैदर एंड टीपू एज एम्बिशियस, एरोगेंट एंड डेंजरस रूलर हु हैड टू बी कंट्रोल्ड एंड क्रश्ड। जो चार वॉर हमें देखने को मिल रहे हैं, पहला 1767 से 69 तक, जिसके एंड हुआ ट्रीटी ऑफ मद्रास के थ्रू, फिर 1780 से 1784 तक ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, फिर 1790 से 1792 ट्रीटी ऑफ श्रीरंगमपट्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर कई बार आ रखा है, और 1799 में आपका फिर इसके बाद सब्सिडरी अलायंस हमें देखने को मिलता है। ओनली इन द लास्ट बैटल ऑफ श्रृंगेरीपट्टम डिड द कंपनी अल्टीमेटली विन अ विक्ट्री। टीपू सुल्तान वाज किल्ड एंड हिज कैपिटल श्रृंगेरीपट्टम, ठीक, और डिफेंडिंग हिज कैपिटल श्रृंगेरीपट्टम, और मैसूर वाज प्लेस अंडर द फॉर्मर रूलिंग डायनेस्टी वोडियार, क्योंकि टीपू सुल्तान के फादर जो थे हैदर अली, उनसे पहले भी जो वहाँ पे डायनेस्टी इस्टेब्लिश थी वो वोडियार थे, उनको हटा के फिर ये आके आए थे, बट उसके बाद जब आपका टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है तो वापस से वोडियार्स को दे दिया जाता है और सब्सिडी अलायंस यहाँ पर इम्पोज कर दिया जाता है। He was also a patron of science and technology, created pioneer of rocket technology, military manual भी लिखा है operation of rockets, और टीपू was a great lover of democracy and a great diplomat who gave his support to French troop soldiers at Sringeripatnam. टीपू himself became a member of Jacobean club and allowed himself to call the citizen टीपू, और यहाँ पर planted a tree of liberty at Sringeripatnam. विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैश करेक्ट, करेक्ट बताना है। द नागाज आर नॉट अ सिंगल ट्राइब बट एन एथनिक कम्युनिटी दैट कंप्राइजेज सेवरल ट्राइब्स हु लिव इन द स्टेट ऑफ नागालैंड एंड इट्स नेबरहुड। नागा बिलोंग टू द द्रविडियन फैमिली, एंड ऑप्शन आर ओनली बी ओनली बोथ है। नागा अकेली सिंगल एक ट्राइब नहीं है, एक एथनिक कम्युनिटी है जो कि नागालैंड में रहती है और उसके नेबरहुड में। दूसरा ये है कि ये आपके द्रविडियन फैमिली से बिलोंग करते हैं। आपका आंसर होगा इसमें ए ओनली, पहला सही है, कॉन्टेक्स्ट ये है न्यूज़ का। दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि ये द्रविडियन फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं, ये इंडो मंगोलाइट फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। और ये आपके बर्मा भी देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे 19 मेजर नागा ट्राइब्स हैं, जैसे आओस हो गया, अंगमास हो गया, छांग हो गया, छांगकेज हो गया, काबुज, कचारीज, कानो, मंगवास, कोन्याक्स, कुकीस, लोथास, माओस, मिक्रीज, फोम्स, रेंगमास, शंखमास, सिमास, तंकुस, यमचूर्स एंड जेना। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैश करेक्ट, ई रूपी इज अ पर्सन एंड अ पर्पस स्पेसिफिक कैशलेस डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन, इट इज अ कॉन्टैक्टलेस इंस्ट्रूमेंट फॉर द डिजिटल पेमेंट, एंड ऑप्शन आर ए ओनली बी ओनली बोथ है। ई रूपी क्या ये आपका कैशलेस डिजिटल पेमेंट के पर्पस से है, क्या ये आपका कॉन्टैक्टलेस इंस्ट्रूमेंट है? आंसर होगा बोथ, दोनों सही है। तो पहला बिल्कुल ठीक है, ये एक पर्सन अ पर्पस स्पेसिफिक कैशलेस डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन है।
कॉन्टेक्ट लेस इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे आपको यूज़ किए जाएंगे डिजिटल पेमेंट के लिए। QR कोड का आपको यहाँ पे यूज़ किएगा, SMS स्ट्रिंग बेस्ड ऑन ई वाउचर। सिस्टम विल एलिमिनेट द नीड फॉर एनी फिजिकल इंटरफेरेंस, मोबाइल बैंकिंग ये सब एलिमिनेट कर दिया जाएगा। इसको डेवलप कौन कर रहा है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसको डेवलप कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके साथ कौन कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ भी है, नेशनल हेल्थ सिक्योरिटी भी है। इट इज़ बेसिकली प्रीपेड वाउचर विच कैन बी इशूड डायरेक्टली टू द सिटीजन आफ्टर वेरीफाइंग मोबाइल नंबर एंड आइडेंटिटी। ये एक तरीके का वाउचर होगा जो कि आपका QR कोड के फॉर्म में आपको डिलीवर किया जाएगा या फिर SMS स्ट्रिंग के थ्रू डिलीवर किया जाएगा। बेनिफिशियरी से रिडीम कर सकते हैं बिना कार्ड के, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट लेस है डिजिटल पेमेंट ऐप के थ्रू, बिना उसके और ना इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस के थ्रू। पुथिराम टनल विच इज न्यूज रिसेंटली फाउंड इन, कहाँ है ये? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, नन ऑफ द अबव। आंसर इज ए, ये आपका केरला में है। और न्यूज़ का पार्ट था क्योंकि यहाँ पे ये आपका नेशनल हाईवे 544 में है, तो एक नेशनल हाईवे अथॉरिटी से ऑपरेट करता है। फर्स्ट एवर टनल है जहाँ पे रोड ट्रांसपोर्ट एंड इंडिया लॉन्गेस्ट 6 लेन रोड टनल है ये, इसलिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का भी बात की गई है, आप इसे देख सकते हैं। चेयरमैन ऑफ स्टैंडिंग कमेटी ऑफ इंडिया स्टेट काउंसिल, आपको बताना है इसका चेयरमैन कौन होता है स्टैंडिंग कमेटी का, याद रखिएगा। PM, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट, गवर्नर या फिर यूनियन होम मिनिस्टर, स्टैंडिंग कमेटी का आंसर होगा इसका डी, यूनियन होम मिनिस्टर, क्योंकि हमने देखा था कि आपका आर्टिकल 263 में आपका स्टैंडिंग इंटर स्टेट काउंसिल थी और इसका आपका हेड चेयरमैन जो होते थे इसके वो होते थे आपके PM। अब इसकी ही एक स्टैंडिंग कमेटी बनी होती है, सो ये जो स्टैंडिंग कमेटी है इसके हेड जो होंगे यूनियन होम मिनिस्टर होंगे। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड गुड गवर्नमेंट एक्ट, इसको कहा जाता था गुड गवर्नमेंट एक्ट भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1892, 1861, 1858, 1909। आपको बताना है गुड गवर्नमेंट एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट किसे कहा गया था? आंसर होगा इसका सी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है 1858। डिस्कस द करेक्ट स्टेटमेंट, द गवर्नर पार्डन्स बोथ द सेंटेंस एंड द कन्विक्शन ऑफ द कन्विक्ट, कंप्लीटली एब्जॉर्ब द सेंटेंस पनिशमेंट एंड डिस्क्वालिफिकेशन। ही कैन नॉट पार्डन द डेथ सेंटेंस नीदर द पनिशमेंट बाय द कोर्ट मार्शल। तो पहले ये कह रहा है कि गवर्नर जो है वो पार्डन कर सकता है डेथ सेंटेंस को और कन्विक्ट को पूरी तरीके से क्या कर सकता है, सेंटेंस से रिलीव कर सकता है। दूसरा, वो डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकता है और ना ही कोर्ट मार्शल के थ्रू भी पनिशमेंट को। करेक्ट बताना है ओनली बोथ चरण, आंसर होगा इसका बोथ, दोनों सही हैं। ये आपका कॉन्टेक्स्ट है। अब इसके बारे में देख लेते हैं, ये पहला हो गया पार्डन। सो गवर्नमेंट की जो पार्डनिंग पावर होती है ये कहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है? ये दो चीज़ों में रिस्ट्रिक्टेड है। यहाँ पे आपको डेथ सेंटेंस नहीं कर सकता है पार्डन ना कोर्ट मार्शल। फिर रिस्पाइट होता है, सो यहाँ पे लेसर सेंटेंस दिया जाता है इन प्लेस ऑफ द ओरिजिनल वन। ठीक, फॉर एग्जाम्पल ड्यू टू सम फिजिकल फैक्ट्स सच एज फिजिकल डिसेबिलिटी ऑफ अ कन्विक्ट ऑफ अ प्रेगनेंसी ऑफ अ वूमेन। तीसरा, रिप्राइव है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ही स्टेज द एग्जीक्यूशन सेंटेंस फॉर अ टेम्प्रेरी पीरियड। तो रिप्राइव में क्या होगा? टेम्प्रेरी पीरियड के लिए उसे रोका जा सकता है। रेमिट में क्या होगा कि रिड्यूस किया जा सकता है सेंटेंस का, बट कैरेक्टर वही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल 10 साल थी तो 10 को 8 कर सकते हैं, बट पीरियड कैरेक्टर वही रहेगा। लास्ट है कॉम्यूट, कॉम्यूट में क्या होगा कि अगेन चलो ही कैन कमिट, गवर्नर कैन कमिट द पनिशमेंट और सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट लॉ। ही कैन कमिट अ डेथ सेंटेंस, नो दैट ही कैन नॉट कमिट अ डेथ सेंटेंस, याद रखिएगा। गवर्नर आपका डेथ सेंटेंस नहीं कर सकता, ये पावर से नहीं, यहाँ पर गलत लिखा है। ठीक, यहाँ पर गलत लिखा है, ये डेथ सेंटेंस नहीं कर सकता है वो, पार्डन नहीं कर सकता है, इसको कन्फ्यूज मत करिएगा, सॉरी ये कन्फ्यूज मत करिएगा, ये पार्डन है। पार्डन मतलब पूरी तरीके से ख़त्म कर देना, वो फ्री हो गया। यहाँ पे कॉम्यूट वर्ड है, ठीक है, तो दो अलग अलग चीज़ें हैं। कॉम्यूट कर सकता है डेथ सेंटेंस को, बट वो पार्डन नहीं कर सकता है। पार्डन मतलब उसको मना ही कर दिया कि अब नहीं होगी डेथ सेंटेंस, ओके, याद रखिएगा। यहाँ पे कॉम्यूट का है बट पार्डन नहीं कर सकता है, डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकता है। आई एम रिपीटिंग इट, दोबारा से नोट कर लीजिए, पहली बार में थोड़ा मिस्टेक हो गई थी कि गवर्नर डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकता बट कॉम्यूट कर सकता है। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैश आर करेक्ट, NBFC इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1986, NBFC कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट। ए ओनली, बी ओनली, बोथ या नन, और आपका आंसर होगा नन, दोनों ही गलत हैं। तो ये आपका कॉन्टेक्स्ट है न्यूज़ का। अब NBFC देख लेते हैं, ये बहुत बड़ी इसकी डेफिनेशन है, आप इसके ऊपर पॉज करके पढ़ सकते हैं। इसका क्रक्स ये है कि आपका जो 1956 के एक्ट के थ्रू NBFCs आया था, ये क्यों लाया गया था? ताकि बिजनेस लोन्स, एडवांसेस, एक्सपेंशन, स्टॉक बॉन्ड्स, इससे ये चीज़ काम कर सकें। NBFC क्या होते हैं? ये नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, वो कंपनी होती हैं जिनका हैज़ अ प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ रिसीविंग डिपॉजिट अंडर एनी स्कीम। ठीक, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये हो जाते हैं कि ये डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ना ही ये पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का पार्ट बन सकते हैं, इसीलिए ये चेक भी इशू नहीं कर सकते।
इंपॉर्टेंट है, चेक भी इशू नहीं कर सकते हैं। डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन इज नॉट अवेलेबल टू द डिपॉजिटर, ये भी इंपॉर्टेंट है। NALSA has been constituted under the Legal Services Authorities Act 1987 to provide free legal aid to the weaker section of the society. The aim is to ensure that the opportunities for securing justice are not denied to any citizen by the reason of economic or other disabilities. और आपको बताना है करेक्ट ये ओनली बी ओनली बोथ है नन, और आपका आंसर होगा इसमें बोथ, दोनों सही हैं। तो NALSA जो है 1987 के एक्ट के थ्रू बना है, काम क्या है इसका, फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड करना वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के, ये भी वही लिखा है। न्यायदीप इसका ये ऑफिशियल न्यूज़लेटर है NALSA का, और ये लोग अदालत को क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि डिस्प्यूट को सेटल कर सकें। एज पर सेक्शन 3(2) ऑफ लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शैल बी द पैटर्न इन चीफ, याद रखेगा चीफ जस्टिस यहाँ पे पैटर्न इन चीफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, अश्वगंधा इज कॉमनली नोन एज इंडियन विंटर चेरी, इट इज ट्रेडिशनल इंडियन हर्ब दैट बूस्ट एनर्जी, रिड्यूसेज स्ट्रेस एंड मेक्स द इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्गर, इट इज क्लासिफाइड एज एन अडेप्टेबल विच मीन्स दैट इट कैन हेल्प द बॉडी टू मैनेज स्ट्रेस एंड नन ऑफ द अबव, आपको इनकरेक्ट बताना है इन सब में से, और आपका आंसर होगा डी नन, क्योंकि सारे स्टेटमेंट सही हैं, इसको ही आपका इंडियन विंटर चेरी कहा जाता है, ये इंडियन हर्ब है जो कि एनर्जी को बूस्ट करता है, स्ट्रेस को कम करता है, अश्वगंधा को ड्रायर पार्ट्स में ग्रो किया जाता है सब ट्रॉपिकल रीजन में, राजस्थान पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश गुजरात महाराष्ट्र यहाँ पर ग्रो किया जाता है। बींग अ हार्डी ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप, अश्वगंधा रिक्वायर्स अ रिलेटिवली ड्राई सीजन थ्रू आउट द ग्रोइंग पीरियड, तो रेनफॉल कितना चाहिए 60 से 70 सेंटीमीटर चाहिए, टेम्परेचर कितना चाहिए 20 से 35 चाहिए, और सैंड कैसी चाहिए, सॉइल कैसी चाहिए, सैंडी लोमी और या फिर हो गया आपका सैंडी लोमी, या फिर आपका हो गया ये क्या मेरा सैंडी लोमी, या फिर आपका यहाँ पर पी एच देखना है हमें इसका, तो इतना हो गया। ओके सो विद दिस लेट्स कंक्लूड टुडे सेशन, आई होप आप लोगों ने अच्छे से परफॉर्म किया होगा, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।